अब एक और केस देखते हैं, एक इलिप्स का। मान लीजिए आपके पास एक इलिप्स है, 9x² + y² = 36। ठीक है, ये कैसा इलिप्स होगा? इसको मैं स्टैंडर्ड की तरह कर लेता हूं, ये बन जाएगा x² / 4, 9/36 4 हो जाएगा, प्लस y² / 36 = 1, यानी बन जाएगा ये x² / 2² + y² / 6² = 1। ये कैसा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स है, बिकॉज इसकी एक ही वाली छोटी है। यानी कैसा बनेगा ये? खड़ा अंडा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसमें ये आपका 2 होगा, ये आपका 6 होगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है, और आप ए से बी को ज्वाइन कर दीजिए, ए से बी को ज्वाइन कर दीजिए, आपको ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया कौन सा होगा? ये ए बी जो कॉर्ड होगी, ए बी एक कॉर्ड है और ये क्या है, ये आर्क है। इस कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया है ये निकालना है आपको। फाइंड द एरिया बिटवीन कॉर्ड ए बी एंड आर्क ए बी। इस केस में अपर कर्व कौन सा है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहते हैं तो? एलिप्स वाला। लोअर कर्व कौन सा हुआ? लोअर, ये अपर कर्व हुआ। लोअर कर्व कौन सा हुआ? ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी? ए बी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना जानते हैं आप? इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना आपको, तभी तो आप फंक्शन लिख पाओगे। ठीक है, ये अपर कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है, एलिप्स की इक्वेशन जो है उसमें आप वाई की वैल्यू निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वाई निकाल लेंगे आप इन टर्म्स ऑफ एक्स, और जो लोअर कर्व है यानी स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन आप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल सकते हो, या फिर आप y - y1 = slope times x - x1 से निकाल सकते हो। अगर हम रिस्पेक्ट टू एक्स देखें तो अपर कर्व कौन सा है हमारा? ये वाला है एलिप्स। जो इसके में इक्वेशन क्या हो जाएगी, y की निकालना चाहे तो एलिप्स की इक्वेशन में सॉल्व करूं तो क्या बनेगा? पहले वाला इससे सॉल्व कर लेता हूं, यानी y² हो जाएगा आपका 36 - 9x², यानी y हो जाएगा आपका +√36 - 9x². फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा लेंगे? प्लस वाला। ये अपर कर्व हो गया हमारा, ये हमारा अपर कर्व हो गया प्लस साइन के साथ। और यदि हम स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना चाहें तो स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म से। अगर कोई लाइन ऐसे काटती है, ये पॉइंट यदि 2 है, ये वाला पॉइंट यदि 6 है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x/2 + y/6 = 1। ये एक तरीका है इसका निकालने का, और भी तरीके हैं निकालने के। स्लोप निकाल लीजिए, उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म से कर लीजिए। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ये वाली। इससे करना चाहें तो अम्मी वाई की वैल्यू क्या आएगी? इससे करना चाहें तो वाई की वैल्यू आएगी आपकी 3x + y = 6, यानी वाई आ जाएगा आपका 6 माइनस, यानी अपर कर्व ये हो गया, लोअर कर्व ये हो गया। और एक्स की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? 0 से लेकर 2 तक। यानी आपका जो एरिया है वो बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2, एक्स की जो लिमिट है। अपर कर्व है आपका √36 - 9x² - लोअर कर्व है आपका 6 - 3x (dx). ये होगा आपका एरिया। ऑलराइट, सो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे इसको? 0 से लेकर 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ लेते हैं। ये बन जाएगा मेरा √6² - 3x² (dx) - 6 कर देते हैं, -6 dx, लिमिट 0 से लेकर 2, -+ हो जाएगा +3x dx, लिमिट 0 से लेकर 2। ये बन जाएगा, 3 में तोड़ दिया, this - this + this। ये सॉल्व कर लोगे आसानी से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मान लेंगे 3x को t, लेट 3x को मान लिया हमने t, तो क्या बन जाएगा एरिया बराबर, अब x 0 था, t की वैल्यू क्या होगी? 0। जब x 2 था, t की वैल्यू क्या होगी? 6। ठीक है, ये बन जाएगा √6² - t² अगर 3x = t है, 3dx = dt, यानी dx = dt/3, यानी dt यहां आ जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा, -6 times ये बन जाएगा x (2 - 0, 2) यानी 6 × 2, +3 times ये बन जाएगा x² / 2
एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू रख दोगे तो आ जाएगा टू स्क्वायर यानी फोर। अब ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, इसलिए मैंने टी रखा था। जैसे आप यहाँ पे थ्री एक्स था, यहाँ एक्स था, या तो आप ऐसे करें पहले इसको, अगर आप इसको सोच रहे हैं कि आप थ्री एक्स की तरफ रख देते हैं, फिर आप अपॉन में थ्री करना पड़ेगा आपको, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री, उस तरीके से कर सकते हैं वैसे चाहे तो, और बेटर रहेगा टू अवॉइड कन्फ्यूजन, आप थ्री एक्स को टी मान लें, छोटा सा स्टेप ही तो है, जिससे आपका थ्री नीचे आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म को आप सॉल्व कर लें, आपको आता ही सॉल्व करना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला लास्ट लेक्चर में किया था हमने, माइनस ये सॉल्व हो ही चुका है आपका, यानी इसके आज इस तरह आपका आंसर, और ये आंसर आएगा आपका थ्री पाई माइनस सिक्स, एक्चुअली थ्री पाई माइनस सिक्स आंसर आएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास दो सर्कल दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ये स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, जीरो कॉमा जीरो पे है, और उसका रेडियस क्या है, टू है। एक और सर्कल है, ये शिफ्टेड सर्कल है, इसकी इक्वेशन है एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। ये कैसा सर्कल है, इसकी रेडियस तो टू है बट इसका जो सेंटर है वो है टू कॉमा जीरो। अगर हम सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कौन सा सर्कल होता है, इसका सेंटर होता है ए कॉमा बी और रेडियस होती है आर, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं था इसलिए इसका सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो, रेडियस हो जाएगी टू। यहाँ पे क्या सेंटर हो जाएगा, टू कॉमा जीरो, रेडियस हो जाएगी टू। ये सब आप इलेवेंथ की नॉलेज है एक्चुअली, ये सब जो में ये इक्वेशन होती है सर्कल की एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उसमें सेंटर होता है ए कॉमा बी, रेडियस होती है आर। तो अगर हम दोनों का डायग्राम बनाओ तो कैसा बनेगा, पहला वाला जो सर्कल है ये वाला मान लीजिए पहला है, ये आपका दूसरा है, पहला वाला बनेगा सिमेट्रिक होगा पूरा, ओरिजिन पे सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट होगा टू, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा टू, ये होगा जीरो, ये होगा टू, इसका रेडियस टू है। दूसरा वाला कौन सा होगा, सेंटर है इसका टू कॉमा जीरो, सेंटर है टू कॉमा जीरो और रेडियस भी कितनी है टू, यानी इसका सेंटर ये होगा और इसका रेडियस टू है, तो कैसा बनेगा, ऐसा सर्कल बनेगा जिसका सेंटर टू है, टू कॉमा जीरो और रेडियस कितनी है टू है, रेडियस टू है तो कहां से पास होगा, वो ओरिजिन से पास होगा, यानी वाई एक्सिस इस केस में टेंजेंट बन जाएगी, वाई एक्सिस इस केस में टेंजेंट बन जाएगी। आपको बताना है इन दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया होगा वो कितना होगा, यानी आपको बताना है ये वाला एरिया। जब तक आप ये सर्कल बनाना नहीं सीखेंगे तो आप एरिया निकालना नहीं सीख सकते, और ये एरिया निकालना काफी आसान है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसमें आप गड़बड़ करेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कभी कोई ऊपर है कभी कोई ऊपर है, इससे आप इससे अच्छा क्या करें, आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें, विद रिस्पेक्ट टू वाई करने में अपर कर्व कौन सा हुआ, ये वाला, लोअर कर्व कौन सा हुआ, ये वाला, अपर कर्व का मतलब ये वाला सर्कल, कौन सा सर्कल, फर्स्ट सर्कल, लोअर कर्व मतलब सेकंड सर्कल, क्योंकि ये वाला सर्कल सेकंड सर्कल है ना, इसको मैं सेकंड सर्कल माना है, इन लोअर कर्व है हमारा सेकंड सर्कल, अपर कर्व है हमारा फर्स्ट सर्कल। फिर आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, अपर कर्व कौन सा होगा, अपर कर्व है आपका ये वाला फर्स्ट सर्कल, उसके इसमें वाई की वैल्यू क्या होगी, अब वाई इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे तो आपका कर्व वाई में उसमें भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होगा, तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं, हम क्या करते हैं ये वाला निकाल लेते हैं पहले इतना, फिर हम क्या करते हैं इसको डबल कर देंगे, यानी एरिया हो जाएगा आपका टू टाइम्स, पहले में डबल कर दिया, अब लिमिट क्या डालूंगा मैं वाई की, जीरो से लेकर, यानी जरूरी नहीं है आपका ये वाला वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट टू थोड़ा होगा, यहाँ पे ये कट रहा है ये, इसका वाई कोऑर्डिनेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे आप, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, सिमेट्री से बोल सकता हूँ, अगर ये पॉइंट जीरो है और ये पॉइंट टू है, ये बीच वाला पॉइंट कौन सा होगा, वन होगा, और वन पे वन के ऊपर ही तो आएगा ये वाला पॉइंट सिमेट्री से, एक्स इक्वल टू वन पे वाई क्या आएगा, देखो डाल के रूट थ्री, यानी ये वाला पॉइंट होगा आपका वन कॉमा रूट थ्री, यानी वाई की लिमिट डलेगी जीरो से लेकर रूट थ्री, वाई की लिमिट डलेगी जीरो से लेकर रूट थ्री, अपर कर्व होगा आपका फर्स्ट वाला कर्व, यानी कि वो जाएगा अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, लोअर कर्व कौन सा होगा, सेकंड वाला कर्व, वो क्या होगा अंडर रूट फोर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट फोर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया, इसलिए मैंने क्या किया आगे टू से मल्टीप्लाई कर दिया है, इससे मेरा टोटल एरिया आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। इसको आप कैसे करेंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ लीजिए, ये पहला फॉर्म कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का,
ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जहां पे एक्स माइनस टू को आप टी मान लीजिए, एक्स माइनस टू को टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएक्स बराबर डीटी हो जाएगा। यानी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बन जाएगा आपका एरिया बराबर टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर रूट थ्री अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आपको सॉल्व करना आता है, माइनस टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर रूट थ्री अंडर रूट के अंदर ये वाली चीज फोर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डीएक्स, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं एक्स माइनस टू को टी मान के। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स माइनस टू को टी मान लीजिए तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो मैं सारे इंटीग्रेशन मैंने इस चैप्टर में आपके सॉल्व नहीं किए हैं, मैं हमेशा उस फॉर्म पे आकर छोड़ देता हूँ जो आपने ऑलरेडी इंटीग्रेशन में पढ़ रखी है, कर रखी है। ठीक है, तो इस तरीके का देखो कर्व्स में ही कर्व्स बनते हैं, जैसे कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, यही कर्व बनते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, इन कर्व्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कैसे प्लॉट करे जाते हैं ये कर्व, जिससे आप इनका एरिया, शेडेड एरिया निकाल सकें। और शेडेड एरिया के साथ साथ सिमेट्री भी बहुत जरूरी है, जैसे कि इस केस में देखो मैंने बिना कर्व को सॉल्व किया मैंने लिख दिया कि इसका वाई कोऑर्डिनेट रूट थ्री होगा। सो सिमेट्री बहुत जरूरी है और आपको ग्राफ्स रियलाइज होने चाहिए कि कैसे बन रहे होंगे एक्चुअल में। सो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट लेवल पे इतना डिस्कशन रखेंगे, अब हम आपको प्रैक्टिस करनी है इसके बाद। ठीक है, सो हियर वी कंक्लूड दिस चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस।